हेलो नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है एग्जाम टॉप के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आप लोग लगातार कमेंट कर रहे हैं कि एसडब्ल्यूडी के आवेदन कब से होंगे। उसके लिए एक ही संपूर्ण वीडियो ला दिया गया इन्फॉर्मेशन का। तो इस वीडियो में हम सारी जानकारी वो रखेंगे कि एसडब्ल्यूडी के आवेदन कब से होंगे, और आज की इस वीडियो में जो बात की जाएगी, इन चार टॉपिकों पर बात की जाएगी कि फॉर्म कब तक आ जाएंगे, इसका भी जिक्र करेंगे, क्या पाठ्यक्रम में बदलाव होगा इस पर भी बात करेंगे, आवेदन तिथि कब से होंगी और तैयारी कैसे करें, इन चार टॉपिकों को लेकर वीडियो पूरा बनाया गया। तो अभी हाल ही में आप देख पा रहे हैं कि एसएससी ने जितने भी अपने भर्ती आपकी जो आगामी है उन सबके लिए अपना पाठ्यक्रम बदल दिया है। यूपीपीसीएस ने भी, हालांकि 99% है कि उसका भी पाठ्यक्रम में बदलाव हुआ है, और ऑप्शनल जो हुआ करता था ऑप्शनल को हटाकर अब वहां पर एक यूपी स्पेशल का एग्जाम होगा और उसके साथ एक स्टेटिक्स का एग्जाम जोड़ा जा रहा है। तो अभी 100% नहीं है कि बदल गया है, बट उम्मीद है 99% एग्जाम जो पाठ्यक्रम था यूपीपीसीएस का मेंस वाला वो बदला जाएगा। तो इसी सारी चीजों को देखते हुए अगर हम बात करें यहां पर इस टॉपिक को लेकर कि क्या इस बार एसडब्ल्यूडी अपना पाठ्यक्रम में बदलाव करेगा, तो ये 99% श्योर है कि अभी तक जो एग्जाम होते थे वो वनडे बेसिस पर होते थे, जितने भी वनडे एग्जाम हैं उनको ध्यान में रखकर ये एग्जाम कराया जाता था। अब इस बार से क्या होगा, इसका जो एग्जाम होगा वो केवल यूपीपीएससी एवं यूपीएससी को फॉलो करके ही एग्जाम बनाया जाएगा। तो इसके लिए जो नया नोटिफिकेशन आएगा उसमें क्लियर हो पाएगा कि पाठ्यक्रम में क्या क्या बदलाव हुआ है। अभी आगे हम देखेंगे नोटिफिकेशन कब तक आने वाला है। दूसरा, कि फॉर्म ऑनलाइन कब से होंगे या आवेदन कब से प्रारंभ हो जाएंगे। तो इसकी जो अभी हाल ही में एक जानकारी मिली है वो 10 नवंबर तक आपके क्या आवेदन होना चालू हो जाएंगे। 8 से 9 तारीख के बीच आपका नोटिफिकेशन जारी होगा और 8, 9 या लिमिट 10 तक आपके आवेदन प्रारंभ हो जाएंगे। तो ये चीज़ आप नोट कर लें कि 10 नवंबर तक आपके आवेदन हो जाएंगे। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं है वो आप कंप्लीट कर लें। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी बना दिया था कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए आवेदन करने के लिए। उसके बाद आवेदन तिथि के बारे में जिक्र हो चुका है, कब से कब तक के लिए आवेदन मांगे जाएंगे, ठीक है। तैयारी कैसे करें, तो संपूर्ण देखिए सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल निभाएगा, सिलेबस कुछ भी हो जाए, जीएस का तो निश्चित वही रहेगा कि आपको हिस्ट्री पढ़ना है, आपको ज्योग्राफी पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, ठीक है। ये टॉपिक तो आपके बदलने वाले नहीं है, इनमें तो क्वेश्चन आएंगे। अब यहाँ पर क्या होगा कि क्वेश्चनों की संख्या लिमिट कर दी जाएगी कि यहाँ पर ज्योग्राफी से 20 पूछ जाएंगे, 30 पूछ जाएंगे, इस तरीके से देखा जाएगा। तो अभी आप इन 5-6 टॉपिकों को कवर करें, साथ ही साथ पिछले 8 महीने का क्या करेंट अफेयर, ये 8 महीने का आप जरूर कवर कर लें। मैं कहूँगा आपका जो एग्जाम होगा, अगर नवंबर में फॉर्म आते हैं तो दिसंबर में एग्जाम होगा, तो दिसंबर में एग्जाम होगा तो आप ये मान के चलें क्या पिछले 8 महीने का, यानी आप अगस्त से नॉर्मल अगस्त से उठा लें, इधर के जितने भी महीने इन सबको अच्छे से कर लें। उधर आप अगर फरवरी और मार्च का भी देखना चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। हालांकि पिछले 8 महीने का अच्छे से आप कवर कर लें, क्योंकि करंट अफेयर इस एग्जाम में कम से कम 10 से 15 प्रश्नों को कवर कराता है, 10 से 15 प्रश्न। और अगर ये यूपीएससी या यूपीपीएससी के पैटर्न पर बनाइए तो आपको पता है इसमें करंट अफेयर एक बहुत बड़ा रोल निभाएगा। तो याद रखेंगे जो नोटिफिकेशन की डेट है वो आपके 10 नवंबर के आसपास देखने को जा रही है। लगभग आपके पास 9 दिन बचे हुए हैं, इन 9 दिन के अंदर आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और जस्ट 1 माह के भीतर आपका एग्जाम हो जाएगा। तो ये भी बहुत जरूरी है, तो लगातार अभी से तैयारी में जुट जाइए। और मैं आप सभी के लिए देखिए करंट अफेयर की क्लासें कोशिश करूँगा लाने की, साथ साथ अगर जितनी भी हेल्प हो सकती है अदर इन सब्जेक्ट की कोर्स की, तो हम एक कोशिश करेंगे कि एमसीक्यू फॉर्मेट में शाम को 8 से 9 बजे के बीच एक लाइव सेशन लेकर आएँ, जिसमें हम इनकी प्रैक्टिस कर लें, जो क्वेश्चन संभावित क्वेश्चन होंगे उनकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अगर अब भी कोई डाउट है आप सभी का तो कमेंट इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, उसके रिप्लाई जो कमेंट है उसका रिप्लाई आपको बहुत जल्द दे दिया जाएगा, ठीक है। किसी प्रकार का कोई भी कमेंट हो सकता है, जो नए मेंबर हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एसडब्ल्यूडी से पल पल की खबर दी जाएगी, किस तरीके से फॉर्म भरना है, किस तरीके से नहीं भरना। पिछली बार भी कई लोगों ने गलतियाँ की हैं फॉर्म भरने में, तो विशेषकर आप फॉर्म को भरने में ज़्यादा सावधानी बरतें, क्योंकि कहाँ पर आपका एससी कैंडिडेट के लिए सेंटर है, कहाँ पर ओबीसी के लिए, कहाँ पर महिलाओं के लिए, ठीक है। ये चीज़ आपको बहुत ज़रूरी है, तो इस चीज़ के लिए हम एक फॉर्म भर के दिखाएंगे। जैसे नोटिफिकेशन आता है आप जल्दबाजी में फॉर्म ना भर दें, पहले आप वेट करें, एक हमारा वीडियो आएगा इस पर पूरा किस तरीके से फॉर्म भरना है और किस व्यक्ति को कौन सा सेंटर चुनना है, इस तरीके का एक वीडियो लाएंगे, जिससे कि आपका जो भी आवेदन किया जाएगा वो गलत नहीं होगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को इतना रखते हैं, मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए एग्जाम टॉप के साथ और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी के साथ। आवेदन की तिथि आपकी निश्चित हो चुकी है, 10 नवंबर तक आपके आवेदन हो जाएंगे, ठीक है।